टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट और अपडेट करना। आप शीर्ष शैलियों को चुनकर कोई टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, उदाहरण के लिए शीर्ष एक, शीर्ष दो और शीर्ष तीन, जिन्हें आप टेबल ऑफ कंटेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड स्टाइल से मेल खाती हुई चुने गए शीर्षों को खोजता है। शीर्ष स्टाइल के अनुसार एंट्री टेक्स्ट को स्वरूपित और इंडेंट करता है और तब दस्तावेज में टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 कई तरह की गैलरीज प्रदान करता है, एक से अधिक टेबल ऑफ कंटेंट शैलियों के साथ, जिससे चुना जा सके। टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रिया चिन्हित करें और तब विकल्पों की गैलरी से इच्छित टेबल ऑफ कंटेंट स्टाइल क्लिक करें। ऑफिस वर्ड 2010 आपके द्वारा चिन्हित किए गए हैंडिंग से स्वचालित रूप से टेबल ऑफ कंटेंट बनाता है। आप टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स से कस्टम स्टाइल का चयन कर कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं या आप मैन्युअली भी टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। किसी टेबल ऑफ कंटेंट को मैनुअल रूप से लिखना। आप टेबल ऑफ कंटेंट की एंट्रीज को लिख सकते हैं और प्रत्येक एंट्री और उसके पेज क्रमांक के बीच डॉटेड लाइंस या डॉट लीडरों को प्राप्त करने के लिए टैब्स का उपयोग कर सकते हैं। तीव्र तरीके से किसी टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने के लिए स्वचालित रूप से टेबल ऑफ कंटेंट बनाना देखें। पहली एंट्री लिखें, टैब दबाएं और फिर पहली एंट्री के लिए पेज संख्या लिखें। टैब स्टॉप कैरेक्टर का चयन करें। नोट, यदि आप टैब स्टॉप कैरेक्टर नहीं देख सकते तो होम टैब पर क्लिक करें और फिर पैराग्राफ समूह में दिखाएं छुपाए पर क्लिक करें। पेज लेआउट टैब पर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करें। टैब्स पर क्लिक करें। टैब स्थान स्थिति के अंतर्गत वहां लिखें जहां आप पेज संख्या चाहते हैं। नोट, रूलर देखने के लिए ताकि आप दाएं हाशिए स्थान पर लिख सकें, वर्टिकल स्क्रॉल बार के शीर्ष पर रूलर दिखाएं बटन पर क्लिक करें। अलाइनमेंट के अंतर्गत दाएं पर क्लिक करें। लीडर के अंतर्गत इच्छित विकल्प पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक करें। एंटर दबाएं और फिर अपनी अगली एंट्री लिखें। टैब दबाएं और फिर दूसरी एंट्री के लिए पेज संख्या लिखें। अपनी टेबल ऑफ कंटेंट पूर्ण होने तक दोहराएं। स्वचालित रूप से कोई टेबल ऑफ कंटेंट बनाना। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का सबसे आसान तरीका बिल्ट इन हेडर स्टाइल का उपयोग करना है। आप टेबल ऑफ कंटेंट को उन कस्टम शैलियों के आधार पर भी बना सकते हैं जिन्हें आपने लागू किया है, या आप व्यक्तिगत टेक्स्ट एंट्रीज पर टेबल ऑफ कंटेंट का स्तर असाइन कर सकते हैं। बिल्ट इन हेडर स्टाइल का उपयोग कर एंट्रीज चिन्हित करना। टेबल ऑफ कंटेंट में प्रकट होने के लिए इच्छित टेक्स्ट का चयन करें। स्टाइल ग्रुप में इच्छित स्टाइल पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने उस टेक्स्ट का चयन किया है जिसे आप किसी मेन हैंडिंग स्टाइल के रूप में चाहते हैं, तो क्विक स्टाइल गैलरी में हैंडिंग 1 नामक स्टाइल पर क्लिक करें। नोट, यदि आपको इच्छित स्टाइल दिखाई नहीं देती तो क्विक स्टाइल गैलरी को विस्तृत करने के लिए एरो पर क्लिक करें। यदि आपकी इच्छित स्टाइल क्विक स्टाइल गैलरी में प्रकट नहीं होती तो शैलियां लागू करें। कार्य फलक को खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएं। स्टाइल नाम के तहत इच्छित स्टाइल पर क्लिक करें। गैलरी से टेबल ऑफ कंटेंट बनाना। अपनी टेबल ऑफ कंटेंट के लिए एंट्रीज को चिन्हित करने के बाद आप इसे बनाने के लिए तैयार हैं। आज जहां टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां क्लिक करें। सेव डिलीट, किसी दस्तावेज के प्रारंभ पर। रेफरेंस टैब पर टेबल ऑफ कंटेंट समूह में टेबल ऑफ कंटेंट क्लिक करें और तब इच्छित टेबल ऑफ कंटेंट स्टाइल क्लिक करें। नोट, यदि आप और अधिक विकल्प निर्दिष्ट करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए कितने हैंडिंग लेवल दिखाने हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करें पर क्लिक करें। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट बनाना। रेफरेंस टैब पर टेबल ऑफ कंटेंट समूह में टेबल ऑफ कंटेंट क्लिक करें और तब
टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर क्लिक करें। टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स में निम्न में से एक कार्य करें। टेबल ऑफ कंटेंट में हेडिंग लेवल्स की संख्या परिवर्तित करने के लिए सेव डिलीट के अंतर्गत स्तर दिखाएं और आगे बॉक्स में इच्छित संख्या दर्ज करें। अपनी टेबल ऑफ कंटेंट की संपूर्ण दिखावट को परिवर्तित करने के लिए फॉर्मेट सूची में विभिन्न फॉर्मेट्स पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि प्रिंट पूर्वावलोकन और वेब पूर्वावलोकन क्षेत्रों में आपका चयन कैसा दिखाई देता है। लाइन के उस प्रकार को परिवर्तित करने के लिए जो एंट्री टेक्स्ट और पृष्ठ संख्या के बीच प्रकट होता है, टैब लीडर्स सूची में विकल्प पर क्लिक करें। टेबल ऑफ कंटेंट में हैंडिंग लेवल्स के प्रदर्शित होने के तरीके को परिवर्तित करने के लिए संशोधित करें पर क्लिक करें। स्टाइल डायलॉग बॉक्स में उस स्तर पर क्लिक करें जिसे आप परिवर्तित करना चाहते हैं और फिर संशोधित करें पर क्लिक करें। स्टाइल संशोधित करें डायलॉग बॉक्स में आप इंडेंटेशन की मात्रा, फॉन्ट और आकार को परिवर्तित कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में कस्टम शैलीज का उपयोग करने के लिए विकल्प पर क्लिक करें और फिर निम्न कार्य करें। उपलब्ध शैलियों के तहत वह स्टाइल ढूंढें जिसे आपने अपने दस्तावेज के शीर्षों में लागू किया है। टीओसी स्तर के तहत स्टाइल नाम के आगे उस स्तर को इंगित करने के लिए 1 से 9 तक की वह संख्या लिखें जो आप चाहते हैं कि हैंडिंग स्टाइल का प्रतिनिधित्व करे। नोट: यदि आप केवल कस्टम शैलियों का उपयोग करना चाहते हैं तो हैंडिंग 1 जैसी अंतर्निहित शैलियों के लिए टीओसी स्तर संख्या हटाएं। टेबल ऑफ कंटेंट में शामिल करने के लिए प्रत्येक हैंडिंग स्टाइल हेतु चरण 1 और चरण 2 को दोहराएं। ओके पर क्लिक करें। दस्तावेज प्रकार में फिट होने वाली कोई टेबल ऑफ कंटेंट चुनें। प्रिंट डॉक्यूमेंट: यदि आप ऐसा दस्तावेज बना रहे हैं जिसे टेक्स्ट मुद्रित पृष्ठ पर पढ़ेंगे तो ऐसी टेबल ऑफ कंटेंट बनाएं जिसमें प्रत्येक एंट्री ऐसे स्थान पर शीर्ष और पृष्ठ संख्या दोनों को सूचीबद्ध करती हो। जहां शीर्ष प्रकट होता है टेक्स्ट इच्छित पृष्ठ पर जा सकते हैं। ऑनलाइन दस्तावेज उस दस्तावेज के लिए जिसे टेक्स्टक वर्ड में ऑनलाइन पढ़ेंगे। आप टेबल ऑफ कंटेंट में एंट्रीज को हाइपरलिंक्स के रूप में स्वरूपित कर सकते हैं ताकि टेक्स्टक टेबल ऑफ कंटेंट में इसकी एंट्री पर क्लिक करके हैंडिंग तक जा सकें। टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना: यदि आपने अपने दस्तावेज में हैंडिंग या अन्य टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज को जोड़ा या निकाला है तो आप टेबल ऑफ कंटेंट को त्वरित रूप से अपडेट कर सकते हैं। रेफरेंस टैब पर टेबल ऑफ कंटेंट समूह में टेबल अपडेट करें क्लिक करें। केवल पृष्ठ क्रमांक अपडेट करें या संपूर्ण टेबल अपडेट करें पर क्लिक करें। टेबल ऑफ कंटेंट हटाना: रेफरेंस टैब पर टेबल ऑफ कंटेंट समूह में टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करें। टेबल ऑफ कंटेंट रिमूव पर क्लिक करें। फुटनोट और एंड नोट: इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट को किसी दस्तावेज का वर्णन करने, उस पर टिप्पणी करने या उसके टेक्स्ट के लिए रेफरेंस उपलब्ध करवाने हेतु प्रिंटेड दस्तावेजों में उपयोग किया जाता है। आप विस्तृत टिप्पणियों के लिए फुटनोट्स और स्रोतों के अपडेट के लिए एंड नोट्स का उपयोग कर सकते हैं। नोट: यदि आप रेफरेंस सूची बनाना चाहते हैं तो आप स्रोतों को बनाने और प्रबंधित करने एवं साइटेशन तथा रेफरेंस सूची समूह में रेफरेंस टैब पर साइटेशन और बायोग्राफी के लिए आदेशों को ढूंढ सकते हैं। फुटनोट और एंड नोट के बारे में: कोई फुटनोट या एंड नोट दो लिंक किए हुए हिस्सों, नोट रेफरेंस चिन्ह और संबंधित नोट टेक्स्ट से बना होता है। फुटनोट और एंड नोट रेफरेंस चिन्ह, विभाजक रेखा, फुटनोट टेक्स्ट, एंड नोट टेक्स्ट। कोई फुटनोट या एंड नोट इंसर्ट करना: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके लिए स्वचालित रूप से फुटनोट्स और एंड नोट्स को क्रमांकित करता है। आप एक पूरे दस्तावेज में एकल नंबरिंग योजना का उपयोग कर सकते हैं या आप किसी दस्तावेज में प्रत्येक अनुभाग में अलग अलग नंबरिंग योजनाओं का उपयोग कर सकते हैं। फुटनोट और एंडनोट इंसर्ट और संपादित करने के लिए कमांड फुटनोट समूह में रेफरेंस टैब पर पाए जा सकते हैं। फुटनोट इंसर्ट करें।
एंड नोट इंसर्ट करें। फुटनोट और एंड नोट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जब आप स्वचालित रूप से क्रमांकित नोट्स को जोड़ते, हटाते या ले जाते हैं तो वर्ड फुटनोट और एंड नोट रेफरेंस चिन्ह को पुनः क्रमांकित करता है। नोट: यदि आपके दस्तावेज में फुटनोट गलत क्रमांकित हैं, तो आपके दस्तावेज में ट्रैक किए गए परिवर्तन हो सकते हैं। ट्रैक किए गए परिवर्तनों को स्वीकार करें, जिससे वर्ड फुटनोट और एंड नोट को सही तरीके से क्रमांकित करेगा। पेज लेआउट व्यू में वहां क्लिक करें जहां आप नोट रेफरेंस चिन्ह इंसर्ट करना चाहते हैं। रेफरेंस टैब पर फुटनोट समूह में फुटनोट इंसर्ट करें या एंड नोट इंसर्ट करें पर क्लिक करें। वर्ड नोट रेफरेंस चिन्ह इंसर्ट करता है और सम्मिलन बिंदु को नए फुटनोट या एंड नोट के टेक्स्ट क्षेत्र में रखता है। कीबोर्ड शॉर्टकट फुटनोट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एफ दबाएं। एंड नोट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट डी दबाएं। डिफॉल्ट रूप से वर्ड फुटनोट को प्रत्येक पृष्ठ के अंत में और एंड नोट को दस्तावेज के अंत में रखता है। नोट टेक्स्ट लिखें। दस्तावेज में रेफरेंस चिन्ह पर वापस लौटने के लिए फुटनोट या एंड नोट रेफरेंस चिन्ह पर डबल क्लिक करें। फुटनोट या एंड नोट का स्थान या फॉर्मेट परिवर्तित करने के लिए फुटनोट और एंड नोट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्लिक करें और निम्न में से कोई एक कार्य करें। फुटनोट को एंड नोट या एंड नोट को फुटनोट में रूपांतरित करने के लिए स्थान के अंतर्गत या तो फुटनोट या एंड नोट चुनें और फिर रूपांतरित करें पर क्लिक करें। नोट्स रूपांतरित करें डायलॉग बॉक्स में ठीक पर क्लिक करें। नंबरिंग फॉर्मेट परिवर्तित करने के लिए संख्या फॉर्मेट बॉक्स में इच्छित फॉर्मेट पर क्लिक करें और अप्लाई करें पर क्लिक करें। किसी पारंपरिक संख्या फॉर्मेट के बजाय किसी कस्टम चिन्ह का उपयोग करने के लिए कस्टम चिन्ह के आगे प्रतीक पर क्लिक करें और फिर उपलब्ध प्रतीकों में से कोई चिन्ह चुनें। यह मौजूदा नोट रेफरेंस चिन्हों को परिवर्तित नहीं करेगा, यह केवल नए को जोड़ेगा। फुटनोट या एंड नोट की संख्या फॉर्मेट बदलना। उस अनुभाग में सम्मिलन बिंदु रखें जिसमें आप फुटनोट या एंडनोट फॉर्मेट को परिवर्तित करना चाहते हैं। यदि दस्तावेज अनुभागों में विभाजित नहीं है तो सम्मिलन बिंदु दस्तावेज में कहीं भी रखें। रेफरेंस टैब पर फुटनोट और एंडनोट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करें। फुटनोट या एंडनोट क्लिक करें। संख्या फॉर्मेट बॉक्स में इच्छित विकल्प पर क्लिक करें। लागू करें क्लिक करें। संदर्भ बिब्लियोग्राफी सूची बनाना। संदर्भ सूची उन स्रोतों की सूची होती है जो सेव डिलीट किसी दस्तावेज के अंत में रखी जाती है, जिसका उपयोग आप दस्तावेज बनाने में परामर्श या साइटेड के लिए करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में आप दस्तावेज के लिए प्रदान की गई स्रोत जानकारी के आधार पर कोई संदर्भ सूची स्वतः जनरेट कर सकते हैं। हर बार जब आप कोई नया स्रोत बनाते हैं तो स्रोत जानकारी आपके कंप्यूटर पर सहेजी जाती है ताकि आप बनाए गए किसी स्रोत को ढूंढकर उसका उपयोग कर सकें। आपको जो संदर्भ सूची शैली चाहिए उसे आप चुन सकते हैं और आप नई संदर्भ सूची शैलियां जोड़ सकते हैं। किसी दस्तावेज में कोई नया उद्धरण और स्रोत जोड़ें। जब आप किसी दस्तावेज में कोई नया उद्धरण यानी साइटेशन जोड़ते हैं तो आप वह नया स्रोत भी बनाते हैं जो संदर्भ सूची में प्रकट होगा। संदर्भ टैब पर उद्धरण और संदर्भ सूची समूह में शैली के पास एरो क्लिक करें। उस शैली पर क्लिक करें जिसका उपयोग आप उद्धरण और स्रोत के लिए करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक विज्ञान के दस्तावेज उद्धरणों और स्रोतों के लिए सावेली डेटत एमएलए या एपीए शैलियों का उपयोग करते हैं। उस वाक्य या पदबंध के अंत में क्लिक करें जिसे आप उद्धृत करना चाहते हैं। संदर्भ टैब पर उद्धरण और संदर्भ सूची समूह में उद्धरण इंसर्ट करें, क्लिक करें। निम्न में से कोई एक कार्य करें। स्रोत जानकारी जोड़ने के लिए नया स्रोत जोड़ें पर क्लिक करें। कोई प्लेसहोल्डर जोड़ने के लिए ताकि आप कोई उद्धरण बना सकें
और बाद में उसका किसी स्रोत जानकारी में भरण कर सकें। नया प्लेस होल्डर जोड़ें पर क्लिक करें। स्रोत प्रबंधक में प्लेस होल्डर स्रोतों के बाद एक प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है। स्रोत के प्रकार के आगे वाले एरो को क्लिक कर स्रोत जानकारी में भरण शुरू करें। उदाहरण के लिए आपका स्रोत कोई पुस्तक, कोई रिपोर्ट या कोई वेबसाइट हो सकती है। स्रोत के लिए संदर्भ सूची जानकारी में भरण करें। किसी स्रोत के बारे में अधिक जानकारी जोड़ने के लिए सभी संदर्भ सूची फील्ड दिखाएं चेकबॉक्स क्लिक करें। कोई स्रोत ढूंढें। स्रोतों की सूची जिससे आप सलाह या उद्धृत करते हैं लंबी हो सकती है। कभी कभी आप स्रोतों का प्रबंध करें आदेश का उपयोग करके उस स्रोत की खोज कर सकते हैं जिसे आपने अन्य दस्तावेजों में उद्धृत किया हो। रेफरेंस टैब पर उद्धरण और संदर्भ सूची समूह में स्रोतों का प्रबंध करें क्लिक करें। यदि आप कोई नया दस्तावेज खोलते हैं जिसमें अभी तक उद्धरण शामिल नहीं है तो मास्टर सूची के तहत पिछले दस्तावेज में उपयोग किए सभी स्रोत दिखाई देते हैं। यदि आप कोई दस्तावेज खोलते हैं जिसमें उद्धरण शामिल है तो इन उद्धरणों के लिए स्रोत वर्तमान सूची के तहत दिखाई देते हैं। सभी स्रोत जो आपने उद्धृत किए हैं पिछले दस्तावेज में या वर्तमान दस्तावेज में वे मास्टर सूची के तहत दिखाई देते हैं। किसी विशिष्ट स्रोत को ढूंढने के लिए निम्न में से कोई एक कार्य करें। सॉर्टिंग बॉक्स में लेखक, हैंडिंग, उद्धरण टैग नाम या वर्ष से सॉर्ट करें और तब परिणाम डिजाइन आई सूची में इच्छित स्रोत खोजने के लिए ढूंढें। खोज बॉक्स में उस स्रोत का हैंडिंग या लेखक लिखें जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। आपके खोज पथ से मेल खाने के लिए सूची गतिशील रूप से संकुचित हो जाती है। नोट: आप स्रोत प्रबंधक में किसी दूसरी मास्टर सूची का चयन करने के लिए ब्राउज बटन पर क्लिक कर सकते हैं जिससे आप अपने दस्तावेज में नया स्रोत आयतित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको किसी विश्वविद्यालय या शोध संस्था द्वारा होस्ट किए गए किसी साझा सर्वर, किसी संस्था सहकर्मी के कंप्यूटर या सर्वर या किसी वेबसाइट पर किसी फाइल से कनेक्ट करना पड़ सकता है। अनुक्रमणिका इंडेक्स। एक अनुक्रमणिका किसी दस्तावेज में चर्चा किए गए शब्दों और विषयों को उन पृष्ठों के साथ सूचीबद्ध करती है जिन पर वे दिखाई देते हैं। कोई अनुक्रमणिका बनाने के लिए आप मुख्य एंट्री का नाम और आपके दस्तावेज का परस्पर संदर्भ यानी रेफरेंस देकर अनुक्रमणिका एंट्रियां चिन्हित करते हैं और तब आप अनुक्रमणिका बनाते हैं। एक अनुक्रमणिका किसी दस्तावेज में चर्चा किए गए शब्दों और विषयों को उन पृष्ठों के साथ सूचीबद्ध करती है जिन पर वे दिखाई देते हैं। कोई अनुक्रमणिका बनाने के लिए आप मुख्य एंट्री का नाम और आपके दस्तावेज का परस्पर संदर्भ देकर अनुक्रमणिका एंट्रीज चिन्हित करते हैं और तब आप अनुक्रमणिका बनाते हैं। सभी अनुक्रमणिका एंट्रीज को चिन्हित करने के बाद आप अनुक्रमणिका डिजाइन चुनें और पूर्ण अनुक्रमणिका बनाएं। वर्ड अनुक्रमणिका एंट्रीज को संग्रहित करता है, उन्हें वर्ण क्रम के अनुसार सॉर्ट करता है, उनकी पृष्ठ संख्या संदर्भित करता है, एक ही पृष्ठ से डुप्लीकेट एंट्रीज को ढूंढता और निकालता है और दस्तावेज में अनुक्रमणिका प्रदर्शित करता है। अनुक्रमणिका एंट्रीज को चिन्हित करना और कोई अनुक्रमणिका बनाना। कोई अनुक्रमणिका बनाने के लिए आप एंट्रीज को चिन्हित करते हैं, किसी डिजाइन का चयन करते हैं और तब अनुक्रमणिका बनाते हैं। अनुक्रमणिका एंट्रियां चिन्हित करना। अनुक्रमणिका एंट्रीज चिन्हित करने के लिए निम्न में से कोई एक कार्य करें। शब्दों या वाक्यांशों को चिन्हित करना। पृष्ठों की श्रेणी तथा विस्तृत पाठों के लिए एंट्रीज चिन्हित करना। शब्दों या वाक्यांशों को चिन्हित करना। मौजूदा टेक्स्ट का उपयोग किसी अनुक्रमणिका एंट्री की तरह करने के लिए टेक्स्ट का चयन करें। अपने स्वयं के टेक्स्ट को किसी अनुक्रमणिका एंट्री के रूप में दर्ज करने के लिए वहां क्लिक करें जहां आप अनुक्रमणिका एंट्री इंसर्ट करना चाहते हैं। प्राथमिकताएं रेफरेंस टैब पर अनुक्रमणिका समूह में एंट्री चिन्हित करें क्लिक करें। आपके टेक्स्ट का उपयोग करने वाली मुख्य अनुक्रमणिका एंट्री बनाने के लिए प्रमुख एंट्री बॉक्स में टेक्स्ट लिखें या संपादित करें।
यदि आप चाहें तो कोई उप एंट्री तृतीय स्तर एंट्री बनाकर या किसी अन्य एंट्री का परस्पर संदर्भ देकर एंट्री अनुकूलित कर सकते हैं। कोई उप एंट्री बनाने के लिए उप एंट्री बॉक्स में टेक्स्ट लिखें। कोई तृतीय स्तर एंट्री शामिल करने के लिए किसी कॉलम के बाद उप एंट्री टेक्स्ट लिखें और तब तृतीय स्तर एंट्री का टेक्स्ट लिखें। किसी अन्य एंट्री के लिए कोई परस्पर संदर्भ बनाने के लिए विकल्प के तहत परस्पर संदर्भ क्लिक करें और तब बॉक्स में अन्य एंट्री के लिए टेक्स्ट लिखें। अनुक्रमणिका में दिखाई देने वाले पृष्ठ क्रमांकों को स्वरूपित करने के लिए पृष्ठ क्रमांक डिजाइन के नीचे बोल्ड चेकबॉक्स या इटैलिक चेकबॉक्स का चयन करें। अनुक्रमणिका का टेक्स्ट स्वरूपित करने के लिए मुख्य एंट्री या उप एंट्री बॉक्स में टेक्स्ट का चयन करें, राइट क्लिक करें और तब फॉन्ट क्लिक करें। उस डिजाइनर विकल्प का चयन करें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं। अनुक्रमणिका एंट्री चिन्हित करने के लिए चिन्हित करें क्लिक करें। दस्तावेज में इस टेक्स्ट की सभी आवृत्तियां चिन्हित करने के लिए सभी चिन्हित करें क्लिक करें। अतिरिक्त अनुक्रमणिका एंट्रियों को चिन्हित करने के लिए टेक्स्ट का चयन करें। अनुक्रमणिका एंट्रीज चिन्हित करें डायलॉग बॉक्स में क्लिक करें और तब चरण 3 से चरण 6 तक दोहराएं। अनुक्रमणिका बनाना। एंट्रियां चिन्हित करने के बाद आप किसी अनुक्रमणिका डिजाइन चयन करने के लिए तैयार हैं और अपने दस्तावेज में अनुक्रमणिका इंसर्ट करें। जहां आप अनुक्रमणिका जोड़ना चाहते हैं क्लिक करें। संदर्भ टैब यानी रेफरेंस टैब पर अनुक्रमणिका समूह में अनुक्रमणिका इंसर्ट करें क्लिक करें। निम्न में से कोई एक काम करें। उपलब्ध अनुक्रमणिका डिजाइनों में से किसी एक का उपयोग करने के लिए डिजाइन बॉक्स में कोई डिजाइन क्लिक करें। कोई कस्टम अनुक्रमणिका लेआउट डिजाइन करना। डिजाइन बॉक्स में टेम्पलेट से क्लिक करें और फिर संशोधित करें पर क्लिक करें। स्टाइल डायलॉग बॉक्स में वह अनुक्रमणिका शैली क्लिक करें जिसे आप परिवर्तित करना चाहते हैं और फिर संशोधित करें पर क्लिक करें। डिजाइन के तहत इच्छित विकल्प का चयन करें। अपने टेम्पलेट में शैली परिवर्तन जोड़ने के लिए टेम्पलेट पर आधारित सभी दस्तावेज क्लिक करें। ठीक पर दो बार क्लिक करें। अन्य इच्छित अनुक्रमणिका विकल्पों का चयन करें। नोट: अनुक्रमणिका को अपडेट करने के लिए अनुक्रमणिका क्लिक करें और फिर F9 दबाएं या संदर्भ टैब पर अनुक्रमणिका समूह में अनुक्रमणिका अपडेट करें पर क्लिक करें। यदि आपको अनुक्रमणिका में कोई त्रुटि मिलती है तो परिवर्तन के लिए इच्छित अनुक्रमणिका एंट्री ढूंढें, परिवर्तन करें और तब अनुक्रमणिका अपडेट करें। यदि आप किसी मुख्य दस्तावेज में कोई अनुक्रमणिका बनाते हैं तो अनुक्रमणिका को इंसर्ट या अपडेट करने से पहले सहायक दस्तावेजों को विस्तृत करें। मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में बहुत से महत्वपूर्ण समूह होते हैं जैसे क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट और एंड फिनिश ग्रुप। मेल मर्ज उपयोग में लेना। एक ही लेटर अथवा मेल को एक साथ बहुत से अलग अलग लोगों को पर्सनलाइज तरीके से भेजने का मेल मर्ज एक शक्तिशाली माध्यम है। आप इसका उपयोग हर प्राप्तकर्ता यानी रिसिपिएंट हेतु एनवेलप या लेबल्स की सूचना के साथ निर्मित यानी क्रिएट कर सकते हो। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में एक्सेल या किसी डेटाबेस से सूचनाएं लाकर उपयुक्त स्थानों पर उपयुक्त सूचनाएं प्लेस होल्डर के स्थान पर निर्दिष्ट यानी इंसर्ट कर देता है। आप इसके उपयोग से सैकड़ों लोगों हेतु निजीकृत मैसेज तैयार कर सकते हैं तथा भेज सकते हैं। आप मेल मर्ज का उपयोग कर ये भी कर सकते हैं। कैटलॉग या डायरेक्टरी। एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन जैसे नाम तथा विवरण हर एक आइटम के लिए प्रदर्शित की जा सकती है, लेकिन हर एक आइटम में नाम तथा विवरण यूनिक यानी अनुपम होंगे। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को निर्मित करने हेतु डायरेक्टरी पर क्लिक करें। एनवेलप तैयार करना। सभी एनवेलप्स पर रिटर्न एड्रेस एक समान यानी सेम होगा, परंतु डेस्टिनेशन एड्रेस हर एक के लिए यूनिक होगा। मेलिंग लेबल का सेट तैयार करना। हर एक लेबल पर व्यक्ति यानी पर्सन का नाम वे पता दिखेगा, परंतु हर एक लेबल पर यूनिक नाम वे पता होगा।
ईमेल मैसेज के सेट तैयार करना। सभी मैसेजेस में बेसिक कंटेक्स्ट सेव होता है, परंतु हर एक मैसेज एक विशेष व्यक्ति यानी पर्सन को पहुंचाया जाता है, जिस पर व्यक्ति से संबंधित सूचना ही रहती है, जैसे कि पाने वाले का नाम तथा संबंधित सूचना। आप मेलिंग टैब पर उपस्थित कमांड का उपयोग कर मेल मर्ज कर सकते हैं। जब मेल मर्ज रन यानी एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम डेटाबेस की हर एक रो हेतु एक डॉक्यूमेंट निर्मित यानी क्रिएट करता है, जिसमें फिक्स्ड यानी स्थायी टेक्स्ट एक जैसा ही प्रदर्शित होता है, परंतु डेटा वैल्यू टेम्पलेट में उस कॉलम से मैच करते हुए सूचना स्थानापन्न कर दी जाती है। मेल मर्जिंग को निम्न आसान स्टेप्स का अनुसरण करते हुए किया जा सकता है। मुख्य डॉक्यूमेंट को सेटअप करना। मुख्य डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स, जो कि सभी वर्जन्स में एक समान होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। उदाहरण के तौर पर फॉर्म लेटर में रिटर्न एड्रेस का होना। डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत से कनेक्ट करना। डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत से जोड़ना। डेटा स्रोत वह फाइल है जिसमें वह सूचनाएं हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट में मर्ज करना है। प्राप्तकर्ताओं की लिस्ट को रिफाइन करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुख्य डॉक्यूमेंट की उतनी ही कॉपी बनाता है जितने प्राप्तकर्ता डेटा फाइल्स में दिए गए हैं। अगर आप मुख्य डॉक्यूमेंट की कॉपी केवल चुनिंदा प्राप्तकर्ता हेतु बनाना चाहते हैं, तो आप डेटा फाइल से उन प्राप्तकर्ता का चुनाव कर सकते हैं। मेल मर्ज या प्लेस होल्डर को ऐड करना। जब आप मेल मर्ज करते हैं, तो ये मेल मर्ज फील्ड यानी प्लेस होल्डर डेटा फाइल से ली गई सूचनाओं के द्वारा बदल दी जाती है। डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखना, चुनिंदा बदलाव करना तथा मर्ज पूर्ण करना। आप डॉक्यूमेंट की हर कॉपी का प्रीव्यू देख सकते हैं तथा उसके पश्चात प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो चुनिंदा कॉपी में बदलाव कर सेव भी कर सकते हैं। प्रमुख दस्तावेज सेट करें। वर्ड प्रारंभ करें। कोई रिक्त दस्तावेज डिफॉल्ट रूप से खुलता है, इसे खुला छोड़ दें। यदि आप इसे बंद करते हैं, तो अगले चरण में आदेश उपलब्ध नहीं होते। मेलिंग टैब पर मेल मर्ज प्रारंभ करें समूह में। मेल मर्ज प्रारंभ करें क्लिक करें। दस्तावेज का प्रकार क्लिक करें जो आप बनाना चाहते हैं। डेटा स्रोत से दस्तावेज कनेक्ट करें। आपके प्रमुख दस्तावेज में जानकारी मर्ज करने के लिए आपको दस्तावेज को डेटा स्रोत या डेटा फाइल से कनेक्ट करना चाहिए। यदि आपके पास पहले से कोई डेटा फाइल नहीं है, आप मेल मर्ज प्रक्रिया के दौरान एक बना सकते हैं। कोई डेटा फाइल चुनें। मेलिंग टैब पर मेल मर्ज प्रारंभ करें समूह में। प्राप्तकर्ताओं का चयन करें, क्लिक करें। यदि आप आउटलुक में अपनी संपर्क सूची का उपयोग करना चाहते हैं, तो आउटलुक संपर्कों में से चयन करें, क्लिक करें। यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट, कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस डेटाबेस या अन्य प्रकार की डेटा फाइल है, तो मौजूदा सूची का उपयोग करें, क्लिक करें। और तब डेटा स्रोत का चयन करें। डायलॉग बॉक्स में फाइल का पता लगाएं। एक्सेल के लिए आप वर्कशीट के भीतर से कोई भी वर्कशीट या नामांकित श्रेणी से डेटा का चयन कर सकते हैं। एक्सेस के लिए डेटाबेस में निर्धारित कोई भी टेबल या क्वेरी से डेटा का चयन कर सकते हैं। प्राप्तकर्ताओं या आइटम्स की सूची रिफाइन करें। जब आप किसी विशिष्ट डेटा फाइल से कनेक्ट करते हैं, तो आप आपके मुख्य दस्तावेज में आपकी डेटा फाइल के रिकॉर्ड से संभवतः जानकारी मर्ज नहीं करना चाहते। प्राप्तकर्ताओं की सूची को संकरा करने के लिए या आपकी डेटा फाइल में आइटम के सबसेट के उपयोग के लिए मेलिंग टैब पर मेल मर्ज प्रारंभ करें समूह में। प्राप्तकर्ता सूची संपादित करें, क्लिक करें। मेल मर्ज प्राप्तकर्ता डायलॉग बॉक्स में एकल रिकॉर्ड्स का चयन करें। यदि आपकी सूची छोटी है, तो ये पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है। प्राप्तकर्ता जो आप सम्मिलित करना चाहते हैं, उसके अगले चेक बॉक्स का चयन करें और प्राप्तकर्ता जो आप निकालना चाहते हैं, उसके अगले चेक बॉक्स को रिक्त करें। यदि आप जानते हैं कि आप अपने मर्ज में केवल कुछ रिकॉर्ड्स शामिल करना चाहते हैं, तो आप हेडर रो में चेक बॉक्स रिक्त कर सकते हैं और तब केवल इच्छित अभिलेखों का चयन करें,
उसी प्रकार यदि आप अधिकतर सूची शामिल करना चाहते हैं तो हेडर रो में चेक बॉक्स का चयन करें और तब रिकॉर्ड्स जो आप शामिल नहीं करना चाहते उनके लिए चेक बॉक्स रिक्त करें, रिकॉर्ड्स फिल्टर करें। ये उपयोगी है यदि सूची में वह रिकॉर्ड है जो आप जानते हैं, जो आप मर्ज में देखना और सम्मिलित करना नहीं चाहते। आपके सूची फिल्टर करने के बाद आप रिकॉर्ड्स शामिल करने और नहीं करने के लिए चेक बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। मेल मर्ज फील्ड के बारे में। प्लेस होल्डर्स जैसे पता और ग्रीटिंग मेल मर्ज फील्ड कहलाते हैं। वर्ड में फील्ड डेटा फाइल में कॉलम हैंडलिंग की संगत होती है जो आप चुनते हैं। डेटा फाइल में कॉलम जानकारी के श्रेणियों को प्रस्तुत करते हैं। फील्ड जो आप प्रमुख दस्तावेज से जोड़ते हैं इन श्रेणियों के लिए वह प्लेस होल्डर है। डेटा फाइल में रो जानकारी का रिकॉर्ड दर्शाती है। जब आप मेल मर्ज करते हैं वर्ड प्रत्येक रिकॉर्ड्स के लिए प्रमुख दस्तावेज की प्रतिलिपि जनरेट करता है। अपने प्रमुख दस्तावेज में कोई फील्ड रखने से आप ये सूचित करते हैं कि उस स्थान पर प्रकट होने के लिए आप जानकारी की कोई विशिष्ट श्रेणी चाहते हैं, जैसे नाम या पता। कंटेंट लिखें और फील्ड जोड़ें। प्रमुख दस्तावेज में इच्छित स्थान सम्मिलित करने के लिए क्लिक करें। फील्ड लिखें और इंसर्ट समूह मेलिंग टैब का उपयोग करें। निम्न में से किसी को भी जोड़ें, नाम, पता और अन्य जानकारियों के साथ पता खंड। पता खंड क्लिक करें। पता खंड सम्मिलित करें डायलॉग बॉक्स में पता तत्वों का चयन करें जो आप सम्मिलित करना चाहते हैं और इच्छित स्वरूपों का चयन करें और तब ठीक क्लिक करें। यदि फील्ड मिलाएं डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है तो वर्ड कुछ जानकारी ढूंढने में अक्षम हो सकता है जो उसे पता खंड के लिए चाहिए। मेल नहीं खाता का अगला एरो क्लिक करें और तब अपने डेटा स्रोत से फील्ड का चयन करें जो मेल मर्ज हेतु आवश्यक फील्ड के संगत हैं। अभिवादन रो। अभिवादन रो क्लिक करें। अभिवादन रो स्वरूप का चयन करें जिसमें अभिवादन, नाम स्वरूप और निम्न विराम चिन्ह शामिल हों। टेक्स्ट का चयन करें जो आप वहां प्रकट करना चाहते हैं, जहां माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्राप्तकर्ता नाम नहीं पहचान सकता। उदाहरण के लिए, जब डेटा स्रोत में प्राप्तकर्ता के लिए कोई प्रथम या अंतिम नाम नहीं होता पर केवल कंपनी का नाम होता है, ठीक क्लिक करें। यदि फील्ड मिलाएं डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है तो वर्ड कुछ जानकारी ढूंढने में अक्षम हो सकता है जो इसे ग्रीटिंग रेखा के लिए चाहिए। मेल नहीं खाता का अगला एरो क्लिक करें और तब अपने डेटा स्रोत फील्ड का चयन करें जो उस फील्ड के संगत है जो मेल मर्ज के लिए आवश्यक है। एकल फील्ड, इंडिविजुअल फील्ड। आप एकल फील्ड से जानकारी सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे प्रथम नाम, टेलीफोन नंबर या दाताओं की सूची से योगदान की मात्रा। आपकी डेटा फाइल से प्रमुख दस्तावेज में तुरंत कोई फील्ड जोड़ने के लिए मर्ज फील्ड इंसर्ट करें का अगला एरो क्लिक करें और तब फील्ड नाम क्लिक करें। दस्तावेज में एकल फील्ड सम्मिलित करने संबंधी अधिक विकल्पों के लिए निम्नलिखित करें। मेलिंग टैब पर राइट और इंसर्ट समूह में मर्ज फील्ड इंसर्ट करें पर क्लिक करें। मर्ज फील्ड इंसर्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कोई एक कार्य करें। पता फील्ड का चयन करने के लिए जो अपने आप डेटा स्रोत में फील्ड के संगत हो, भले ही डेटा स्रोत की फील्ड का नाम आपके फील्ड के नाम के समान ना हो। पता यानी एड्रेस फील्ड, पता यानी एड्रेस फील्ड पर क्लिक करें। फील्ड जो हमेशा आपकी डेटा फाइल में सीधे कॉलम से डेटा लेती है
के चयन के लिए डेटाबेस फील्ड क्लिक करें। फील्ड बॉक्स में इच्छित फील्ड क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें और तब बंद करें पर क्लिक करें। यदि फील्ड मैच डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ जानकारी ढूंढने में अक्षम हो सकता है जो उसे फील्ड सम्मिलित करने के लिए चाहिए। मेल नहीं खाता के अगले एरो पर क्लिक करें और तब अपने डेटा स्रोत से फील्ड का चयन करें जो उस फील्ड के संगत है जो मेल मर्ज के लिए आवश्यक है। नोट: यदि आप डेटाबेस फील्ड सूची से कोई फील्ड सम्मिलित करते हैं और बाद में ऐसे डेटा स्रोत पर जाते हैं जिसमें उसी नाम से कॉलम नहीं है तो वर्ड मर्ज किए गए दस्तावेज में फील्ड जानकारी सम्मिलित नहीं कर सकेगा। मर्ज का पूर्वावलोकन प्रीव्यू करें। आप वास्तव में मर्ज पूरा करने से पहले अपने मर्ज किए गए दस्तावेजों का पूर्वावलोकन कर सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं। पूर्वावलोकन देखने के लिए मेलिंग टैब के प्रीव्यू रिजल्ट समूह में निम्नलिखित में से कोई एक करें। परिणाम पूर्वावलोकन यानी प्रीव्यू रिजल्ट्स पर क्लिक करें। अगले रिकॉर्ड और पिछले रिकॉर्ड बटन रिजल्ट प्रीव्यू समूह में के प्रयोग द्वारा प्रत्येक मर्ज किए गए दस्तावेज से पेज करें। प्राप्तकर्ता ढूंढने पर क्लिक कर किसी निर्दिष्ट दस्तावेज का पूर्वावलोकन करें। नोट: मेल मर्ज प्राप्तकर्ता डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए मेलिंग स्टैप पर मेल मर्ज प्रारंभ करें समूह में प्राप्तकर्ता सूची संपादित करें क्लिक करें। यदि आप वह रिकॉर्ड देखते हैं जो आप शामिल नहीं करना चाहते तो वहां आप सूची फिल्टर कर सकते हैं और प्राप्तकर्ताओं को रिक्त कर सकते हैं। मर्ज पूरा करें। आप मर्ज किए गए दस्तावेज मुद्रित कर सकते हैं या एकल रूप से उन्हें संशोधित कर सकते हैं। आप दस्तावेज के सभी या कुछ सबसेट मुद्रित कर या बदल सकते हैं। मर्ज किए गए दस्तावेजों का मुद्रण करें। मेलिंग टैब पर समाप्त करें समूह में समाप्त करें और मर्ज करें क्लिक करें और तब दस्तावेज मुद्रित करें क्लिक करें। चुनें कि दस्तावेज का संपूर्ण सेट केवल वह प्रतिलिपि जो वर्तमान में दृश्यमान है या सेट का कोई सबसेट मुद्रित करना है जो आप रिकॉर्ड संख्या द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। दस्तावेज की एकल प्रतिलिपियां बदलें। मेलिंग टैब पर फिनिश समूह में फिनिश और मर्ज पर क्लिक करें और तब एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। चुनें कि आप दस्तावेज का संपूर्ण सेट केवल वह प्रतिलिपि जो वर्तमान में दृश्यमान है या सेट का सबसेट संपादित करना चाहते हैं जो आप रिकॉर्ड संख्या द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। वर्ड वह प्रतिलिपियां सहेजता है जो आप दस्तावेज की प्रत्येक प्रतिलिपि के बीच में पृष्ठ विराम के साथ एकल फाइल से सहेजना चाहते हैं। प्रमुख दस्तावेज सहेजें। सेविंग मेन डॉक्यूमेंट। याद रखें कि मर्ज किए गए दस्तावेज जो आप सहेजना या सेव करना चाह रहे हैं वह मुख्य दस्तावेज से अलग हैं। स्वयं मुख्य दस्तावेज को सहेजना बेहतर होता है यदि आप इसका किसी अन्य मेल मर्ज के लिए उपयोग करना चाहते हों। जब आप प्रमुख दस्तावेज सहेजते हैं तो आप डेटा फाइल से उसका कनेक्शन भी सहेजते हैं। अगली बार जब आप दस्तावेज खोलते हैं तो आपको संकेत दिए जाते हैं कि क्या आप डेटा फाइल से जानकारी को पुनः प्रमुख दस्तावेज में मर्ज करना चाहते हैं। यदि आप हां क्लिक करते हैं तो दस्तावेज मर्ज किए गए प्रथम रिकॉर्ड से जानकारी के साथ दस्तावेज खोलता है। यदि आप नहीं क्लिक करते हैं तो मुख्य दस्तावेज और डेटा फाइल के बीच का कनेक्शन टूट जाता है। मुख्य दस्तावेज एक मानक वर्ड दस्तावेज बन जाता है। फील्ड पहले रिकॉर्ड की अनन्य जानकारी से बदल दी जाती है। रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में विभिन्न ग्रुप जैसे प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोजेक्ट होते हैं। प्रूफिंग समूह में स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थिसॉरस एंड वर्ड काउंट ऑप्शंस जैसे कमांड होते हैं। लैंग्वेज समूह में ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज ऑप्शंस कमांड होते हैं। कमेंट्स समूह में न्यू कमेंट, डिलीट
प्रीवियस एंड नेक्स्ट ऑप्शंस कमांड होते हैं। ट्रैकिंग ग्रुप्स में ट्रैक चेंजेस, फाइनल शो मार्कअप एंड रिव्यूइंग पेन ऑप्शंस कमांड होते हैं। चेंजेस ग्रुप में एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट ऑप्शंस कमांड होते हैं। कंपेयर ग्रुप्स में कंपेयर एंड कंबाइन ऑप्शंस कमांड होते हैं। प्रोटेक्ट ग्रुप में ब्लॉक ऑथर्स एंड रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कमांड ऑप्शंस होते हैं। डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंज फीचर ऑन करना। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक डॉक्यूमेंट में होने वाले बदलाव का निरीक्षण करने हेतु ट्रैक चेंज फोल्डर का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात उन बदलाव को आप स्वीकार यानी एक्सेप्ट या अस्वीकार यानी रिजेक्ट कर सकते हैं। एक एडिटर वे सहकर्मी आपको डॉक्यूमेंट के अंदर ही करेक्शन यानी बदलाव वे एडिशन को आवश्यकता अनुसार इस फीचर के माध्यम से पहुंचाते हैं। इस फीचर का उपयोग विशेष रूप से एरर्स को पहचानने में लाया जाता है जो लाजमी तौर पर लिखने या टाइपिंग के दौरान हो जाती है। इससे भी ज्यादा ट्रैक चेंजेस को एडिटर्स एक रिपोर्ट के अंदर कंसिस्टेंसी यानी एक रूपता लाने में उपयोग में लेते हैं, विशेषकर जब इस रिपोर्ट को रिसर्चर एक समूह यानी ग्रुप द्वारा अलग अलग भाग अलग अलग समय पर तैयार किए गए हों। ट्रैक चेंज को इनेबल यानी सक्रिय करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को रिवाइज करना चाहते हैं उसे खोलिए। रिव्यू टैब पर ट्रैकिंग ग्रुप में ट्रैक चेंज बटन को क्लिक करें। आप जो भी चेंज करना चाहते हैं जैसे इंसर्ट करना, डिलीट करना, मूव करना या टेक्स्ट विद ग्राफिक्स को फॉर्मेट करना इत्यादि। प्रूफ रीडिंग, प्रूफिंग लैंग्वेज को सेट करना। टेक्स्ट और स्पेलिंग अशुद्धि की जांच करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करो। टेक्स्ट का चयन करें जिसके लिए भाषा सेट करना चाहते हैं। रिव्यू टैब पर भाषा समूह में भाषा पर क्लिक करें और उसके बाद सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पर क्लिक करें। सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पेन में सत्यापित करें कि सही भाषा पाठ के साथ जुड़ा हुआ है। यदि ऐसा नहीं है तो आप भाषा का चयन करें जिसके लिए आप शब्दकोश का उपयोग करना चाहते हैं। पेन शब्दकोश बंद करने के लिए नोट में क्लिक करें। प्रत्येक टेक्स्ट खंड के लिए 1 से 4 स्टेप दोहराएं जिसके लिए आप जांच करना चाहते हैं। चेक स्पेलिंग, रिव्यू टैब पर स्पेलिंग पर क्लिक करें। नोट, अगर स्पेलिंग कमांड उपलब्ध नहीं है तो वर्तनी परीक्षक शुरू करने के लिए F7 प्रेस करें। व्यू टैब, डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन, शो ग्रुप, जूम ग्रुप, विंडो ग्रुप, स्विच विंडोज। Thank you.